हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ पोटेंशियल सिस्टम्स के लिए स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव किया था उसके जो रिजल्ट्स थे हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए हमने स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया और वहाँ से हमने क्या किया, एनर्जी वैल्यूज निकाली और जो है हमने आइगन वेक्टर्स भी निकाले। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक तो उनको डिस्कस करेंगे और उनको ड्रॉ करके देखेंगे जो वहाँ पर हमने आइगन वेक्टर्स निकाले थे। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे हम आज के लेक्चर में कि हम सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल को जो है एंड असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल को थ्री एंड टू डिमेंशन में जो है देखेंगे, उनके थ्री डिमेंशनल एंड टू डिमेंशन में जो है सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में अगर हम सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल था कुछ ऐसा कि तीन रीजन थे हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट रीजन में हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल था इन्फानाइट और यहाँ पे सेकंड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल था ज़ीरो एंड थर्ड रीजन में दोबारा से पोटेंशियल था हमारे पास यहाँ पे इन्फानाइट। ठीक है, तो क्लासिकली भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी एरिया में पोटेंशियल जो है वो इन्फानाइट है तो पार्टिकल के पास एनर्जी जितनी मर्जी हो, कोई मैटर नहीं करती एनर्जी, जितनी मर्जी हो, ठीक है, वो उस एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है पार्टिकल की मान लो यहाँ पे एनर्जी। तो क्लासिकली भी जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, फर्स्ट एरिया में नहीं जा सकता, फर्स्ट रीजन में नहीं जा सकता सेकंड रीजन से। ठीक है, तो जहाँ पर पार्टिकल ही नहीं जा सकता वहाँ पर जो है उस पार्टिकल का वेव फंक्शन भी ज़ीरो होना चाहिए और यही हमने स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव किया और उससे देखा, ये प्रूफ किया कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन के लिए हम बाद में बात करते हैं, लेकिन थर्ड रीजन के लिए जो हमने फिर से देखा कि यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है इन्फानाइट है और यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो हमने प्रूफ किया कि ये भी ज़ीरो। ठीक है, और अब देखो सेकंड रीजन के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए बाई टू एंड टू ए बाई टू और यहाँ पर पोटेंशियल के सेंटर में ही हमारा क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, और इस पोटेंशियल वेल की जो लेंथ है हमारे पास वो है ए। तो सेकंड रीजन के लिए जो था हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शंस आए थे कुछ आइगन फंक्शंस। ठीक है, तो वो क्या थे, तो वो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के यहाँ पर वेव फंक्शंस थे। पहला फंक्शन जो था हमारे पास वो था सिमेट्रिक केस और यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन जो था सेकंड रीजन के लिए वो था हमारे पास 2/a cos n पाई एक्स बाय ए। ठीक है, और यहां पर जो था एन की ऑड वैल्यूज थी। ठीक है, और यहां पे जो एनर्जी थी हमारे पास वो थी हमारे पास ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा केस था हमारे पास असिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक केस और इसमें हमारे पास जो था वेव फंक्शन था अंडर रूट 2/a कॉस एन पाई एक्स बाय ए और यहाँ पे एन की कौन सी वैल्यू थी, एन की इवन वैल्यूज थी और यहाँ पे एनर्जी भी सेम थी हमारे पास ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू एम ए स्केयर। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या था यहाँ पर, यहाँ पर एन की इवन वैल्यूज थी एनर्जी में
ठीक है, और यहाँ पर एन की ऑड वैल्यूज थी एनर्जी में, ठीक है, और यहाँ पर सिमेट्रिक केस के लिए वेव फंक्शन यहाँ पर हमारे पास कॉस लिख दिया है मैंने, यहाँ पर है साइन, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पर साइन था और यहाँ पर कॉस था, ठीक है, और ये था हमारे पास जब विड्थ जो थी हमारे पास ए थी यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो इसमें, इसको पहले तो हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, ठीक है, विड्थ से, विड्थ के हिसाब से कैसे कि यहाँ पर हम ए यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम एल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, ठीक है, उसकी यहाँ पर जो लेंथ होगी, विड्थ होगी सॉरी, ठीक है, वो यहाँ पर हमने पुट करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो ए हो सकता है 2A हो सकता है एल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, और इसे भी हम एल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी में भी ए की जगह क्या है हमारे पास, विड्थ, उसको एल से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर इन वेव फंक्शंस को ड्रॉ करें और एनर्जी वैल्यूज को ड्रॉ करें, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वेव फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे एंड एनर्जी वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर मेरे पास ये पोटेंशियल है, ठीक है, माइनस ए बाय टू, यहां पर जीरो, यहां पर ए बाय टू, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो है एनर्जी की वैल्यू कौन सी आएगी, यहां पर एन कहां से स्टार्ट होता है हमारा, एन होता है वन से शुरू, ठीक है, तो सबसे पहले एन को क्या पुट करेंगे हम, वन, इस एनर्जी वैल्यू में, सेम ही है ये फॉर्मूलाज दोनों, ठीक है, तो यहां पर हम वन पुट करेंगे, तो हमारे पास यहां पे ई वन क्या आया, ई वन आ गया हमारे पास यहां पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइगन वेक्टर आएगा, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी की आइगन वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की कोई भी आइगन वैल्यू हो या आइगन वेक्टर हो, आइगन वैल्यू हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर भी होता है, ठीक है, वो क्या होगा, कौन सा आइगन वेक्टर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वन क्या है, यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स में से हम कौन सी स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पर वो स्टेट चूज करेंगे जिसमें एन के ऑड वैल्यूज का इस्तेमाल होता हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, सिमेट्रिक केस का, ठीक है, तो यहाँ पर ये वेव फंक्शन आएगा, तो ये वेव फंक्शन आएगा, तो एन की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, वो ही वेव फंक्शन जो है ई वन के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है, और उसको ड्रॉ करेंगे जब हम, तब क्या आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर वन पुट करके, अगर यहाँ पर वन पुट करके हम इसको ड्रॉ करें, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा ये फंक्शन, ठीक है, ये पीक लेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, और यहाँ पर माइनस ए बाई टू पर, पहली बाउंड्री पर एंड सेकंड बाउंड्री पर जो होगा ये जीरो होगी इसकी वैल्यू। ये कौन सा वेव फंक्शन है हमारे पास, अगर इसको यहाँ पे लिखूँ मैं, ये है 2L, तो यहाँ पर वेव फंक्शन है हमारे पास कॉस पाई एक्स बाय ए, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास कौन सी एनर्जी की वैल्यू आएगी, इसके बाद आएगी हम टू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एनर्जी में एन की जगह हमने टू पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पे आया ई टू इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, और ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक आइगन वेक्टर भी होगा, और वो आइगन वेक्टर कौन सा होगा, तो
तो वो यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से अगर चूज करना हो हमारे पास, तो यहाँ पर n की इवन वैल्यूज होती है इसमें, ठीक है। तो ये होगा दूसरी स्टेट हमारे पास। तो इसको अगर ड्रॉ करें हम, तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा ये होगा कुछ ऐसे, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो पर एंड बाउंड्रीज पर ये वेव फंक्शन जो है जीरो वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेकंड एनर्जी की स्टेट। तो इस E1 को कहेंगे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और E1 E2 को कहेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। E3 को कहेंगे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब E3 को अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, ठीक है, E3 कितना होगा यहां पर, 9π² hcut स्क्वायर बाय 2m², ठीक है, यही होगा यहां पर। अब देखो यहां पर इसे अगर हम ड्रॉ करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आइगन वेक्टर कौन सा होगा, 3 जो है एक ऑड वैल्यू है, तो यहां पर इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो n की जगह यहां पर 3 पुट कर देंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक हो, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारे पास आएगा ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये है ये वाला फंक्शन, इसको यहां पर लिख देते हैं हम 2πL cos 3πx/a, ठीक है ये। और ये था हमारे पास सेकंड स्टेट थी यहां पर 2πA sin 2πx/a, ठीक है ये थी। अब देखो यहां पर, अब इसमें अगर ग्राउंड स्टेट में चेक करें हम कि कोई नोड नहीं है, ठीक है, इन बाउंड्री के नोड्स को छोड़कर यहां पे कोई और नोड नहीं है, ठीक है। और यहां पे है हमारे पास एक फर्स्ट नोड, नोड मींस यहां पे जो है वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर बाउंड्रीज को छोड़ दें, बाउंड्रीज वाले नोड्स को छोड़ दें, तो हमारे पास यहां पे कोई नोड नहीं है ग्राउंड स्टेट में, यहां पर नो नोड, ठीक है। और यहां पर कितने नोड हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 1 नोड, ठीक है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड हैं, 1 और 2 नोड्स, ठीक है। तो nth एक्साइटेड स्टेट में, nth एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड होंगे, सोचो, nth एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर होंगे हमारे पास n-1 n नंबर ऑफ नोड होंगे, ठीक है। nth एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड होंगे, n नंबर ऑफ नोड्स होंगे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टाकर पूछ लेते हैं। अगर मैं कहूं, अब तो मैंने कहा कि nth एक्साइटेड स्टेट में, अगर मैं कहूं nth स्टेट में कितने नोड होंगे, nth स्टेट में कितने नोड होंगे, तो यहां पर nth स्टेट कौन सी होगी, ये होगी फर्स्ट स्टेट, ये होगी सेकंड एनर्जी की स्टेट, ये होगी थर्ड एनर्जी की स्टेट, en कौन सी होगी, nth एनर्जी की स्टेट। तो इसमें कितने नोड होंगे, n-1 नोड्स, ठीक है। nth एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, यहां पर en+1, ठीक है। nth स्टेट कौन सी होगी, en, en स्टेट में कितने नोड्स हैं, n-1 नोड्स, ठीक है।
एंथ एक्साइटेड स्टेट में कितने नोड्स हैं, एन प्लस ई एन प्लस वन है ये स्टेट, और इसमें है हमारे पास एन नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो ये चीज हमने याद रखनी है यहां पर। और इसमें यहां पर एक और बात ध्यान देने की है कि जो यहां पर हमने ये मैं ड्रॉ किए हैं मैंने एनर्जी के लेवल्स, ठीक है, तो ये मैंने इक्वली यहां पर ड्रॉ कर दिए क्योंकि स्पेस कम थी मेरे पास। लेकिन ये जो एनर्जी के लेवल्स हैं हमारे पास, इनकी स्पेसिंग जो है, इनके गैप्स जो हैं, वो इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे हम जो है ऊपर वाली स्टेट्स में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट्स में जाएंगे। जैसे कि ये एनर्जी का गैप जो है, ये फर्स्ट अपने हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसमें जो एनर्जी का गैप है अगर हम निकालें, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, ये होगा 3/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एनर्जी का गैप इन दोनों हमारे पास जो है एनर्जी स्टेट्स। उसके बाद जो है हमारे पास एनर्जी का गैप होगा, अगर इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं एनर्जी का गैप देखूं, तो यहाँ पर E3 माइनस E2 जो होगा हमारे पास यहाँ पे, ये होगा कुछ 5/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि एनर्जी का गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम n इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। और अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ एनर्जी को, एनर्जी के लेवल्स को, तो ये बराबर यहाँ पर स्पेसिंग में नहीं ड्रॉ करूँगा, इसको स्पेसिंग को भी मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास E1, ये होगा E2, तो ये होगा E3, तो ये होगा E4। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी जो हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शंस थे, आइगन फंक्शंस थे, और एनर्जी की आइगन स्टेट्स जो थी, उनको उनकी क्या वैल्यू होगी अगर हम इस सारे पोटेंशियल वेल को जो है हमारे पास, इसको 2D में लें या फिर 3D में लें। ठीक है, क्या हमको सारा जो है फिर दोबारा से स्क्रोडिंगर वेव को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहीं से कोई ट्रिक निकाल के जो है हम 3D के लिए और 2D के लिए जो फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे, आइगन फंक्शंस एंड आइगन स्टेट्स जो हैं, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल सिस्टम है, इसको 2D में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल सिस्टम है वो 2 dimensions में होगा, तो इसको हम लेंगे यहाँ पे पार्टिकल इन अ 2 dimensional पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, 2 dimensional पोटेंशियल बॉक्स में मान लो एक पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी डायमेंशंस हमारे पास हैं कि वी एक्स वाई का यहाँ पर जो है फंक्शन है, और ये 0 है, 0 to लेकर एक्स जो है ए के बीच में हो, और जो है ये 0 है अगर यहाँ पे इसकी जो वाई हमारे पास लेंथ है वो यहाँ पर 0 से लेकर बी के बीच में हो तो 0 है, और इनफाइनाइट है अदरवाइज। ठीक है, तो ये एक 2 dimensional हमारे पास पोटेंशियल सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रेथ है हमारे पास इसकी, ठीक है, वो है 0 से लेकर ए तक एंड 0 से लेकर
बी तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक एंटीसिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। यहां पर मैं इसकी जगह सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन हमने फिलहाल क्या ली है, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। और हमें पता है कि वन डायमेंशन में हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए, कौन से वेव फंक्शन आया था हमारे पास, यहां पे हमारे पास आइगन फंक्शन आया था अंडर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स बाई ए, और ए की जगह मैंने आपको बताया है क्या क्या लिखना है यहाँ पे, एल विड्थ ऑफ अ बॉक्स, इस पोटेंशियल बॉक्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे हमने लिखनी है, ठीक है। और अब देखो ये तो था हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल था सिर्फ एक्स का फंक्शन, और यहाँ पे है हमारे पास पोटेंशियल एक्स एंड वाई का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेव फंक्शन था वो सिर्फ एक्स का फंक्शन आया था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, और यहाँ पे जो हमारे पास जब हमने एक्स एंड वाई का फंक्शन ले लिया पोटेंशियल, तो यहाँ पे जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स एंड वाई का फंक्शन, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, एक पार्ट इस वेव फंक्शन का जो है सिर्फ एक्स का फंक्शन, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे एन एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे एक पार्ट इस वेव फंक्शन का जो सिर्फ क्या है, वाई का फंक्शन, यहाँ पे इसके नीचे एन वाई लिख देंगे। एन एक्स एंड एन वाई क्या है, यहाँ पर एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट, और एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स होंगे, यहाँ पर वन हो सकता है, एन की वैल्यू वन से शुरू होती है, हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक है, हमने डिस्कस किया है कि एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, वन से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एन एक्स वन हो सकता है, एन वाई भी वन हो सकता है, फिर एन एक्स टू हो सकता है, एन वाई क्या हो सकता है, वन हो सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर एन एक्स वन हो सकता है, एन वाई क्या हो सकता है, टू हो सकता है, एन एक्स टू हो सकता है, एन वाई टू हो सकता है, ऐसे आगे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते जाएंगे। तो हम क्या है, इस फंक्शन को जो इसका, इसके लिए जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा उसकी खासियत ये है कि उसको ऐसे हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, कि सिर्फ हम क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पर, ये क्या था हमारे पास, यहाँ पे साई के पैर में एन था, ठीक है, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं लेकिन एन था, ये एन क्या है, इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर एन क्या है यहाँ पर वन, तो ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन था, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन, ठीक है। और एन टू तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन थ्री तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर एन एक्स लिख दूँ अगर, ठीक है, और यहाँ पर इसको पुट कर दूँ, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अंडर रूट 2/a साइन एन एक्स पाई एक्स बाय एल, ठीक है, ऐसे लिख दें यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास विड्थ है a, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा a, ठीक है। x यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ज़ीरो से लेकर a तक, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा a, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये पोर्शन लेना है, डिफरेंस यहाँ पर क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर y का फंक्शन लेना है, फंक्शन सेम है हमारे पास, फंक्शन की फॉर्म सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, 2/a साइन एन वाई पाई y बाई ए,
ठीक है। देखिए सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन क्या किसका है, वाई का फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन किसका है, सिर्फ एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इस टोटल फंक्शन को, ठीक है, और यही जो होगा हमारे पास रिजल्ट होगा इस, अगर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें इस टू डायमेंशनल यहाँ पर पोटेंशियल के लिए, तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। और अगर यहाँ पे सिमेट्रिक केस होता फिर क्या करते हम, तो यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं हमारे पास, एक असिमेट्रिक एक सिमेट्रिक केस होता, ऐसे ही यहाँ पर कॉस वाला फंक्शन हो जाता, ठीक है, वो आप खुद से बना सकते हो फिर। और एनर्जी की वैल्यूज़ कैसे होंगी, क्या एनर्जी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो नहीं, यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर एन एक्स एन वाई वो होगी एन एक्स ई एन एक्स प्लस ई एन वाई, ठीक है। और इसको ई एन एक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू, यहाँ पर एन एक्स आएगा टू एम ए स्केयर, ठीक है, और प्लस एन वाई स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू एम बी स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है बी आएगा, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वाई फैला हुआ है वो ज़ीरो से लेकर बी तक फैला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर बी है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी एन एक्स एंड एन वाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो ये है एनर्जी की स्टेट्स, उसका जनरल फार्मूला, और ये है हमारे पास वेव फंक्शन, उसका जनरल फार्मूला। और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, एन एक्स एंड एन वाई की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और डिफरेंट स्टेट्स जो हैं यहाँ से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं कहूँ आपको कि चलिए जी आपने यहाँ पर एनर्जी की स्टेट्स फाइंड कर ली, और आपके पास जो है जनरल फार्मूला भी है कि आप उस एनर्जी की आइगन स्टेट्स के लिए आइगन वेक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे एनर्जी की ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ये बताइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी की ग्राउंड स्टेट है तो उसे फाइंड करने के लिए, अगर यहाँ पे मैं B को जो है A पुट कर लूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो मैंने टू डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स लिया है उसकी जो दोनों डायमेंशंस हैं यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ, वो जो है सेम लेंथ की रखूँगा, लंबाई एंड चौड़ाई जो है उस बॉक्स की वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर A A ले लिया हमने, B को भी A के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूं, यहां पर बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए स्केयर पुट कर सकता हूं, ठीक है, तो ए स्केयर पुट कर देते हैं हम यहां पर, और इसको यहां पर मैं लिख सकता हूं ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे कि एन एन स्केयर प्लस एन वाई स्केयर, ठीक है, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास पाई स्केयर एच कट स्केयर टू एम ए स्केयर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और ये है हमारे पास एक स्केयर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें देखो कि ग्राउंड स्टेट क्या होगी, अगर यहाँ पे हम जो है एन को यहाँ पर वन पुट कर दें एन एक्स को, एंड एन वाई को क्या पुट कर दें वन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी एनर्जी की वैल्यू, ई वन वन इज इक्वल टू यहाँ पर टू पाई स्केयर एच कट स्केयर टू एम ए स्केयर, तो यहाँ पे टू के साथ टू कट गया, क्या आया हमारे पास पाई स्केयर एच कट स्केयर एम ए स्केयर, और इसको हम यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कोई स्टेट एनर्जी की, हमें नहीं पता कि ये ग्राउंड स्टेट है या नहीं, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि
इससे कम कोई स्टेट तो नहीं आ रही, ठीक है, इससे छोटी कोई स्टेट तो नहीं आ रही एनर्जी की। अगर छोटी स्टेट आएगी तो वो ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है, हो सकता है ये एक्साइटेड स्टेट हो हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम किसी एक एन को जो है वो टू तक ले जाते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एन एक्स को मैं जो है टू ले जाता हूँ और एन वाई को वन रखते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, टू वन क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे टू पुट कर दिया मैंने, फोर आ गया प्लस वन, ठीक है, तो ये आ गया फाइव पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई टू एम स्केयर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब एक और कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम, वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एन एक्स को वन पुट करूं, एन वाई को क्या पुट कर दूं मैं, टू पुट कर दूं, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन अपनाएं तो हमारे पास ई वन टू क्या आएगा, ये भी फाइव पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई टू एम ए स्केयर, ठीक है, यही आएगा हमारे पास। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, अब एक और हम पुट करते हैं वैल्यू, चलिए तो एन एक्स को भी टू पुट करते हैं, एन वाई को भी टू पुट कर देते हैं हम, ठीक है, दोनों को टू टू पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू आएगी। टू स्क्वायर फोर, यहाँ से फोर, फोर प्लस फोर एट, ठीक है, एट के साथ टू कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा ऊपर फोर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, फोर प्लस फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय टू एम ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एट फोर, ठीक है, यही आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इनमें से अब आप सोच सकते हो कि अगर हायर वैल्यूज़ पुट करते जाओगे तो एनर्जी की हायर वैल्यूज़ आती जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू यही रहेगी। तो ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसी को कह देते हैं कई बार कि ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, एनर्जी को इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी को जो है इससे कम नहीं कर सकते। वन डायमेंशनल में भी जो फॉर्मूला था हमारे पास उसमें एनर्जी की n इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिया था हमने, n इज इक्वल टू वन से वैल्यू शुरू की थी, और अगर n इज इक्वल टू वन पुट कर रहे थे तो वहाँ पे एनर्जी की एक ग्राउंड स्टेट आती थी, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं थी, ठीक है, तो इट मीन्स पार्टिकल के पास हमेशा कुछ एनर्जी रहेगी, और यही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। वो क्या कहता था कि कोई पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली रेस्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रेस्ट में हो गया तो उसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी, उसकी मोमेंटम एग्जैक्ट हो गया, फिर वहाँ से मोमेंटम ज़ीरो हो गया, पोजीशन एग्जैक्ट होगी उसकी, तो पोजीशन एंड मोमेंटम तो हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है, तो वो वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी मीन्स के पार्टिकल के पास कम से कम एनर्जी भी कुछ रहेगी हमेशा, वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है, तो वो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी स्टेट कौन सी आएगी एनर्जी की, यहाँ पर दूसरी स्टेट कौन सी आएगी, यहाँ पर ये स्टेट्स तो इससे ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो दूसरी स्टेट तो ये होगी, या तो ये होगी या ये होगी, बट ये तो दोनों बराबर वैल्यूज़ की हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया था जब हम टूल्स एंड लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे थे कि अगर दो आइगन वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं, तो उनको वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, डी जनरेट आइगन वैल्यूज़, ठीक है। कितनी आइगन वैल्यूज़ इक्वल आई हैं, दो आई हैं, तो इनको कहेंगे हम डबली डी जनरेट, डबली डी जनरेट स्टेट्स ऑफ एनर्जी, तो यहां पर ये जो है हमारे पास डबली डी जनरेट स्टेट्स आ गई एनर्जी की, ठीक है, तो ये होंगी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये डीजनरेट नहीं होगी, ये नॉन डीजनरेट स्टेट होगी, ठीक है। ये स्टेट जो होगी वो कौन सी होगी, नॉन डीजनरेट। और इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी, हमारे पास दो स्टेट्स आएंगी, एन एक्स इज इक्वल टू वन टू एंड एन वाई इज इक्वल टू थ्री। एन वाई एन एक्स इज इक्वल टू थ्री ले लेंगे एक बार, दूसरी बार एन वाई को टू ले लेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ये भी क्या होगी, डबली डीजनरेट, ठीक है। ये हो गया, तो ये होगी यहाँ पे एनर्जी एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ टू डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। अब हम जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल बॉक्स होगी, थ्री डायमेंशनल बॉक्स हो तो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, ज़ीरो टू, यहाँ पर वाई जो है हमारे पास जेड ले लेते हैं, यहाँ पर ये होगा हमारे पास ये बी और ये सी, ठीक है। ये तीनों जो है अलग अलग लेंथ के यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल की कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इनफाइनाइट अदरवाइज, तो ये बिल्कुल ही हमारे पास सेम केस है। यहाँ पर क्या, कौन सा केस है, असिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस के लिए अगर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहाँ से जो सॉल्यूशंस आएंगे वो यहाँ पर जैसे हमने 2D बॉक्स के लिए लिखे थे, सेम ही इसके लिए लिखेंगे। 2D के लिए हमने क्या बोला था कि उस वहाँ हमारे पास एक फंक्शन आएगा जो के फंक्शन होगा एक्स वाई का, और यहाँ पर होगा वो एक्स वाई जेड का। और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ एक्स का फंक्शन, सिर्फ वाई का फंक्शन, सिर्फ जेड का फंक्शन, ठीक है। और इनको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2/a साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और यहाँ पर 2/b साइन एन वाई पाई वाई बाई बी एंड 2/c साइन एन जेड पाई जेड बाई सी, ठीक है। ये आ गया यहाँ, यहाँ पर है z, ठीक है, ये आ गया। तो ये है यहाँ पर ये वेव फंक्शन, हमारे पास आइगन फंक्शन, ठीक है। और एनर्जी क्या आएगी यहाँ पर, एनर्जी e n x n y n z, ठीक है। और यहाँ पर आएगी हमारे पास n x square पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2 ma square प्लस एन वाई स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2 mb square प्लस एन वाई स्केयर एन जेड स्केयर, एन जेड यहाँ पर आएगा पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2 mc square, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन स्केयर एन एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस एन वाई स्केयर वाई बी स्केयर एन जेड स्केयर बाई सी स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ पाई स्केयर एच कट स्केयर बाई 2 m, ठीक है, इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आएगी यहाँ पे एनर्जी की स्टेट, और ये आएगी हमारे पास आइगन स्टेट्स और फॉर दिस पोटेंशियल सिस्टम, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, अब देखो जैसे हमने सेकंड 2D के लिए हमने एनर्जी स्टेट्स निकाली थी, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, बिल्कुल ही ऐसे निकाल सकते हैं। हम ऐसे बॉक्स की कल्पना करते हैं, ऐसे पोटेंशियल बॉक्स की कल्पना करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए उसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई जो है
ठीक है, वो सेम हो, ए हो सारी उसकी लेंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर ए स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर भी ए स्केयर आ जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो गया। अब देखो यहाँ से आप ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हो, ग्राउंड स्टेट क्या होगी यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट होगी यहाँ पर हमारे पास एन एक्स वन, एन वाई वन, एन जेड वन, ठीक है। ये पुट करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, वन यहाँ से आएगा और तो यहाँ पे हो गया हमारे पास थ्री ई वन वन, ये आ गया थ्री पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू एम ए स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो ट्रिपली डी जनरेट होगी, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी यहाँ पे वो होगी हमारे पास ट्रिपली डी जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पर एन एक्स को अगर टू लें, एन वाई को अगर वन लें, एन जेड को अगर वन लें, या फिर एन एक्स को वन लें, एन वाई को टू लें, एन जेड को वन लें, या फिर एन एक्स को हम क्या लें वन लें, एन वाई को वन लें, इस बार एन जेड को टू ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ही एनर्जी स्टेट आएगी इन तीनों वैल्यू से, वो कौन सी होगी यहाँ पर हमारे पास ई, यहाँ पर यहाँ से जो है हमारे पास ई टू वन वन इक्वल आएगी ई वन टू वन के, एंड ये होगी इक्वल ई वन वन टू के, ठीक है। ये विजिबल है आपको, जी हाँ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ई वन वन टू इज इक्वल टू ई वन टू वन इज इक्वल टू ई टू वन वन, ये तीनों एनर्जी की स्टेट्स जो हैं वो इक्वल होंगी, और इनकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो होगी यहाँ पे 4 + 1 + 1, ये हो गया हमारे पास 6 पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय 2 एम ए स्केयर, और यहाँ से होगा हमारे पास 3 पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय एम ए स्केयर। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 3 पाई स्केयर एच कट स्केयर एम ए स्केयर, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास वैल्यू इन तीनों एनर्जी स्टेट्स की, ठीक है। तो ये होंगी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होगी हमारे पास ट्रिपली डी जनरेट होगी, ट्रिपली डी जनरेट, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जो है हमने आइगन फंक्शंस निकाले, ठीक है, डायरेक्टली लिखे, ये हमने याद रखने हैं, ठीक है, और आइगन वैल्यूज जो है एनर्जी की वो यहाँ पे लिखी डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक और पोटेंशियल सिस्टम करेंगे, वो होगा हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।